गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी का व्यंजक। कल आप लोग क्लास में उसकी परिभाषा लिखाकर बंद कर दिया, टाइम हो गया था। फिर आज नया क्लास उसका व्यंजक देखते हैं। कल याद कीजिए पढ़ाए थे कि हवाई निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलम्ब बल एवं माध्यम में उन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलम्ब बल के अनुपात को ही रिलेटिव परमिटिविटी या सापेक्षिक या अपेक्षित विद्युतीयता के नाम से जाना जाता है। इसे एप्सिलॉन आर से डिनोट किया जाता है, इसका ऐसे ही मात्रक एवं बीमा नहीं होता है। इसे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। कई किताब में लिखा होगा स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, हिंदी में लिखा होगा माध्यम की विशिष्ट परावैद्युतता। तो इसके कई नाम है, तो आप जो आए आप लिख सकते हैं। अब इसका व्यंजक याद करते भी पढ़े हैं कि एप्सिलॉन आर जो होता है, कल पढ़ाए थे परिभाषा में कि ये अपेक्षित विद्युतीयता का सिंबल है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू हवा या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलम्ब बल, यानी एफ ईयर अपॉन माध्यम में उन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलम्ब बल के अनुपात को ही एप्सिलॉन आर कहते हैं। तो एफ ईयर अपॉन एफ मीडियम का जो रेशियो होता है, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम में जो रेशियो होता है वह एप्सिलॉन आर, या हिंदी बोलते हैं सापेक्षिक या अपेक्षिक परावैद्युतता कहलाता है। अब इस आप याद कीजिए कि सारणी में पैक कराए थे, सारणी जो है बंद कराए थे और लिखवाए थे कि एफ एयर का व्यंजक एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू1 इनटू क्यू2 बाय आर स्क्वायर, और एक लिखा था एफ मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू1 इनटू क्यू2 बाय आर स्क्वायर, वो एप्सिलॉन नॉट था, वो एप्सिलॉन था। अब दोनों इस पर रखेंगे इक्वेशन, इसको एक मानते हैं, इसको दो मानते हैं, तो यहां रखिए तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर अपॉन मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसमें नॉट नहीं होगा, Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देखिए तो Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बच गया, इसीलिए एप्सिलॉन आर ये ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है आपके रिलेटिव परमिटिविटी का व्यंजक। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को ही सापेक्षिक या अपेक्षिक परावैद्युतता के नाम से जाना जाता है। जहां पूछा भी गया कि निम्नलिखित में कौन सा सापेक्षिक विद्युतीयता की व्यंजक है, तो चार ऑप्शन दिया गया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन का मान ज्ञात करना, मान लीजिए तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा, इसका मान निकालना है एप्सिलॉन, तो हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन जो दिया हो लकड़ी पर दिया हो या तांबे की प्लेट पर दिया, तो आपको एप्सिलॉन का मान निकालना हो तो इसका मान यहाँ पर रखेंगे 8.854×10^12। इसका मान माध्यम दिया हो लकड़ी या तांबे का प्लेट या लोहे का प्लेट या जल, तो इसके लिए इसका मान लिख देते हैं, सारणी में पैक कर देते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव में आता है कि पानी की सापेक्षिक विद्युतीयता कितनी होती है, धातु की कितनी होती है, हवा की कितनी होती है, तो ये ऑब्जेक्टिव में आता भी है और यहाँ रखना हो तो आपको मान निकालना हो तो यहाँ रखना भी पड़ेगा। इसको हम एक सारणी में पैक कर देते हैं, देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप पर आता भी है। कैसे आता है कि एप्सिलॉन आर और वाटर, तो ये पानी की जो है एप्सिलॉन आर, पानी का जो है सापेक्षिक या अपेक्षिक विद्युतीयता कितनी होती है, तो उसका मान होता है 80। कितना होता है 80,
कोई पूछे कि पानी की विद्युतशीलता या सापेक्षिक विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है, तो बोलेगा 80। वहीं मेटल के लिए कोई पूछे धातु कितनी होती है, सब धातु का होता है कितना, इनफाइनाइट, कितना होता है, इनफाइनाइट, अनंत होता है। तो पूछे धातु की विद्युतशीलता कितनी, धातु की सापेक्षिक परावर्तकता या विद्युतशीलता कितनी होती है, बोलेगा इनफाइनाइट। ठीक है, वही एयर के लिए होता है 1, कितना होता है 1। कोई पूछे हवा की सापेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है, तो बोलिएगा 1। ये सब प्रायोगिक मान है, आपकी किताब में दिया भी होगा। वही इसको छोड़ के बाकी जितना मीडियम है, ऑल मीडियम ऑल मीडियम के लिए आपका सापेक्षिक या आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है। तो आपको अगर पानी पर दिया है तो पानी का यहाँ एप्सिलॉन आपका मान रख देंगे, मेटल का दिया हो तो मेटल का रख देंगे, हवा का दिया हो तो यहाँ पर हवा का रख देंगे, और किसी मीडियम पर दिया हो तो यहाँ पर वह रख देंगे, और उसका मान में 8.854×10^-12 से पूरा कर देंगे तो आपको एप्सिलॉन का मान निकल जाएगा। या ऑब्जेक्टिव में आता है इसे कि वाटर की एप्सिलॉन आर, इट मीन्स वाटर की विद्युतशीलता कितनी होती है, तो 80, मेटल का अनंत, एयर का 1, ऑल मीडियम का 1। ये रहा आपका सापेक्षिक या आपेक्षिक विद्युतशीलता का व्यंजक और उसका एप्सिलॉन आर का मान। इसको कॉपी में नोट कीजिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नहीं है, ऐसे एग्जाम में आता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा लिखें। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा लिखना है, तो अगर इसको याद कीजिए तो आपको मान लीजिए याद नहीं रहे, तो काम करते हैं हम डायरेक्ट एप्सिलॉन का मात्रक और बीमा कैसे निकालते हैं उसको सिखा देते हैं, या आपको याद भी रहे और आपकी कॉपी में प्रेजेंट रहे कि कैसे ज्ञात करते हैं, आप भूले ना कभी, इसके लिए आपको देख लीजिए। अभी आप लोग पढ़े हो कि एफ बराबर, तो उसे नीचे लिखते हैं, एफ बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R2। तो हमको एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, एप्सिलॉन का मात्रक निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका निकालना है ना, इसको यहां लाइए, तो हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाई, ये F नीचे जाएगा, F गुना 4π गुना क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो Q1 की Q1 आवेश है, Q2 भी आवेश है, तो Q1 का आवेश का ऐसे मतलब क्या होता है, कूलम। Q2 भी आवेश है तो फिर आवेश मतलब क्या हो जाएगा, कूलम। F क्या है, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, तो F का बल का मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है, यहां जाएगा न्यूटन गुना ये 4π क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मात्रक का विमान नहीं होता था। जी आर क्या है, बीच की दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और यहाँ स्क्वायर कर देगा स्क्वायर। अब ये तैयार हो गया कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये रहा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। इसके द्वारा आप हमेशा इसको याद रख सकते हैं, आप कभी भी नहीं भूलिएगा कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका बीमा निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का बीमा, तो आप जानते हो मात्रक याद रहेगा तो बीमा ज्ञात हो जाएगा। देखिए मात्रक से कैसे बीमा ज्ञात करते हैं, आपको फर्स्ट ईयर पढ़ाए थे
कि मात्र ज्ञात हो तो बीमा ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका मात्रक लिखे तभी कूलम स्क्वायर, नीचे हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम का अर्थ हुआ सी गुना सी दूरी कूलम, और न्यूटन हो गया न्यूटन, मीटर का अर्थ हुआ मीटर गुना मीटर। तो कूलम का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलम होता है, आवेश का विमा क्या होता है तो एटी, तो यहाँ के एटी, फिर एक और कूलम, फिर एक और एटी। न्यूटन बल का मात्रक है, इसका विमा होता है, याद कीजिए फर्स्ट में पढ़ाते एम एल, बोलिए एम एल टी माइनस टू, और ये हो गया मीटर का एल, एक और मीटर है तो एक और एल। अब इसको ऊपर ले चलता है तो बीमा हो जाएगा, बीमा को जानते बड़ा ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये एम प्लस में ऊपर जाने का जगह माइनस में ले जाएगा एम माइनस वन। अब एल, तो एल एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, कितना हो गया एल थ्री, ऊपर जाएगा तो एल माइनस थ्री। और उसका टी, तो कितना टी है तो दो टी नीचे है माइनस में, ऊपर दो टी है तो माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो दो टी या फिर दो और टी, कितना हो जाएगा फोर टी फोर। अब क्या बच गया ए, यहाँ ये है, यहाँ ये क्या हो जाएगा ए टू। ये रहा आपका एप्सिलॉन का बीमा। अब आपके एग्जाम में आए तो मात्रक और बीमा हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, नहीं तो मात्रक आता है, नहीं तो बीमा आता है, नहीं तो उसका वैल्यू आता है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है। तो अभी कॉपी में लिखा है एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 8.854 गुना 10 के पावर माइनस 12 मात्रक होता है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बीमा होता है एम के पावर माइनस 1, एल के पावर माइनस 3, टी के पावर 4 और ए के पावर 2। ये रहा आपका मात्रक और बीमा एग्जाम में आया, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ें, इसको छापिए, इसको लिखिए कॉपी में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद, टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ। ये रहा नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ, हिंदी बोलते हैं कूलम के नियम के महत्व। याद कीजिए लेक्चर क्लास में आप लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ के बारे में बताए थे, आज लिखना है तो उसको लिखिए। पहला इंपॉर्टेंस हो जाएगा या बिंदु आवेशों के लिए, या बिंदु आवेश के लिए मान्य है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर दो आवेश दिए गए हो और उनके बीच की दूरी हो तो कूलम का नियम लागू होगा, अगर एक आवेश पर कूलम का नियम लागू नहीं हो सकता है। तो यह दो बिंदु आवेशों के लिए मान्य है, तो इसमें बिंदु आवेशों के लिए मान्य, अर्थात दो आवेश दिए हुए हैं और उसके बीच के डिस्टेंस अवेलेबल हो, उपस्थित हो, तो उसके बीच कूलम का नियम लागू होता है, अगर दो आवेश ना हो तो कूलम का नियम लागू नहीं होता। दूसरा इंपॉर्टेंस है या कौन कूलम्स लॉ, या
स्थिर आवेशों के लिए मान्य है। इसके लिए मान्य है, तो यह स्थिर आवेशों के लिए मान्य है। इसका तीसरा इंपॉर्टेंस है, इसमें दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों की बीच की दूरी 10^-15 मीटर तक मान्य। कूलम्ब के नियम में दो आवेशों के बीच में कितना कितना दूरी होनी चाहिए, कम से कम 10^-15 मीटर तक मान्य है। इससे ज्यादा हो चलेगा, इससे कम होगा तो नहीं चलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंस है, चौथा है कि यह एक संरक्षी बल है। क्या है यह? एक संरक्षी बल है। कौन सा बल है? तो यह एक संरक्षी बल है। चौथा क्या है, पांचवा क्या है? संरक्षी बल का अर्थ क्या हुआ? जान तो आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही आवेश का विनाश किया जा सकता है, या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है, तो उन आवेशों के बीच जो बल होगा वो भी संरक्षी होगा। इसलिए कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब फोर्स जो होता है वो एक संरक्षी बल के नाम से जाना था, जिसको ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना इसका विनाश किया जा सकता है। और पांचवा इसका इंपॉर्टेंस है, यह एक केंद्रीय बल है। क्या है या केंद्रीय बल है? केंद्रीय बल क्या हुआ? कोई पूछे केंद्रीय बल क्या है, तो बोलेगा दो आवेशों को केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगने वाले बल को केंद्रीय बल के नाम से जाना जाता है। कूलम्ब्स लॉ इस नियम को फॉलो करता है। इट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। आप एग्जाम में पांच आता है, दो आता है, हम पांच लिखा है। अब आप एग्जाम में कूलम्ब के नियम के महत्व को लिखें तो आप इस पांच में से कौन दो ले लीजिएगा, दो नंबर का हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, या बोलते हैं मेरिट्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वहीं डिमेरिट पूछेगा कि कूलम्ब्स लॉ के डिमेरिट को लिखें, सीमाओं को लिखें, कि कूलम्ब के नियम की सीमाओं को लिखें। इसका उल्टा लिख दीजिएगा, यह स्थिर आवेशों के लिए मान्य है तो उसको लिखिएगा यह स्थिर आवेशों के लिए बोलते गतिमान आवेशों के लिए मान्य नहीं है, या बिंदु आवेशों के लिए मान्य है तो बोलिए एकल आवेशों को मान्य नहीं है, इसमें दो आवेश के बीच की दूरी 10^-15 मीटर तो उसको बोलिए इससे कम पर मान्य नहीं है, ये एक संरक्षी बल है, ये कहते हुए इसका उल्टा कर दीजिए तो ये डिमेरिट हो जाएगा। ये हो गया आपका मेरिट या इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसको कॉपी में नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद। आगे बढ़े, कॉपी में नोट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
हेडिंग कीजिए टॉपिक को, टॉपिक का नाम है कूलम्स फोर्स कहिए या कूलम्स लॉ कहिए, बात देखी है कूलम्स फोर्स इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, हिंदी बोलते हैं स्थिति सदिश के रूप में कूलम्ब बल, ये आपका हेडिंग कीजिए, ये टॉपिक है कूलम्ब फोर्स इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश के रूप में कूलम्ब बल का व्यंजक ज्ञात करें। ऐसे एग्जाम में आता है कि स्थिति सदिश के रूप में कूलम्ब बल का व्यंजक ज्ञात करें, इसको छापिएगा। अब इस पिक्चर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पिक्चर है, पिक्चर सुन में आ गया तो थ्योरम सुन में आ जाएगा। तो पिक्चर देखिए क्या करते हैं आप, याद कीजिए कि पढ़ाए थे पोजिशन वेक्टर कि जब किसी सदिश का निरूपण मूल बिंदु के द्वारा किया जाता है तो उसे पोजिशन वेक्टर के नाम से सुना जाता है, याद कीजिए। तो बताए थे कि सदिश जो है मतलब P है तो उसका पोजिशन वेक्टर होगा OP, Q है तो OQ, S है तो OS, A है तो उसका पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा OA, अर्थात सदिश का जब निरूपण मूल बिंदु के द्वारा दर्शाएंगे तो वह पोजिशन वेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये मान लीजिए कि आपका जो है, हम पोजिशन वेक्टर बनाते हैं, ये दो एक्सिस है, एक को बोलते हैं एक्स अक्ष और दूसरे को वाई। इसमें हम दो आवेश लेते हैं, एक का नाम देते हैं Q1 और दूसरे आवेश का नाम क्या है Q2। माना कि इस आवेश का इस मूल बिंदु ये है आपका O, अब इस मूल बिंदु से मान लीजिए इस आवेश का जो है पोजीशन वेक्टर क्या है उसका नाम देते हैं वेक्टर R1, क्या है वेक्टर R1, इसका नाम क्या है वेक्टर R2। तो माना कि दो आवेश है एक Q1 और उसका नाम क्या है Q2, इनका पोजीशन वेक्टर क्या है वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है वेक्टर R2। इसे बिंदु का नाम देते हैं बिंदु A बिंदु का नाम हो गया बिंदु B। तो दो बिंदु है एक A और दूसरा क्या है B, इनका पोजीशन वेक्टर क्या है R1 है, इनके क्या है R2 है, और इसके बीच की दूरी मान लीजिए क्या है वह है वेक्टर R। ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, समझ में आया। माना कि दो आवेश Q1 और Q2 है जिनके बीच की दूरी क्या है वेक्टर R है, Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है R1 है, Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है R2 है। अब इन दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा, वह बल नहीं तो अट्रैक्शन फोर्स होगा नहीं तो रिपल्सन फोर्स होगा। तो दो बल लगेगा, एक बल करा देते हैं मान लीजिए Q2 जो है Q1 पर बल लगा रहा है, क्या है Q1 जो है Q2 पर बल लगा रहा है, इस बल का नाम दीजिए वेक्टर F12। ओके, अब मान लीजिए यह Q1 जो है Q2 पर बल लगा रहा है तो इसका नाम दीजिए वेक्टर F21। तो कितने बल लग रहा है दो, एक Q1 के द्वारा Q2 पर, एक Q2 के द्वारा Q1 पर। Q1
q1 के द्वारा q2 पर लगने वाला बल का नाम है वेक्टर F21 और q2 के द्वारा q1 पर लगने वाला बल का नाम है वेक्टर F12। फिर से एक बार शुरू से बोल देते हैं, आपको याद हो जाए, ये दो एक्सिस है, यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, इसका ओरिजिन पॉइंट O है। माना कि यह q1 और q2 दो आवेश है, q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 है, और उस जो q1 जो रखा गया उस बिंदु का नाम है बिंदु A, और q2 जहां रखा गया उस बिंदु का नाम क्या है बिंदु B, और q1 का पोजीशन वेक्टर है r1, और q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है r2, q1 और q2 के बीच की दूरी क्या है r है, और q2 द्वारा q1 पर लगने वाला बल का नाम वेक्टर F12, और q1 द्वारा q2 पर लगने वाला बल का नाम वेक्टर F21। अब इसमें एक बात और छूट रहा है कि इसमें दिशा का निरूपण किया गया, q1 द्वारा q2 पर लगने वाला बल का ये दिशा नहीं है, q2 द्वारा q1 पर लगने वाला बल के लिए दिशा नहीं है, तो क्या करते हैं दिशा देते हैं, देखिए यहां डायरेक्शन देते हैं, ये हो गया डायरेक्शन क्या, तो q1 द्वारा q2 पर लगने वाला बल इसका नाम उसको बोलते हैं कैप R12। क्या बोलते हैं कैप R12, जैसे जी पढ़ाए थे कैप A, कैप B, कैप C, इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, तो वैसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है वह एकांक सदिश कहलाता है, इसे कैप द्वारा डिनोट किया जाता है। तो यहां पर कैप R12 जो है, कैप R12 जो है एकांक सदिश है, कि यह शो करता है कि फोर्स अप्लाई टू q1 टू q2, तो ये एक फोर्स जो अप्लाई हुआ q1 से q2 की ओर, तो उसके लिए यूनिट वेक्टर हो गया कैप R12। बोल भी रहा है और लिखे भी, देख लीजिए दिखाई देता तो सुन लीजिए, और दिख रहा है तो लिखिए, तो कैप कोई पूछे कैप R12 क्या, बोलिए कैप R12 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर व्हिच शो फोर्स अप्लाई टू q1 टू q2 एंड ए, ये है कैप R21। ये कैप R12 भी यूनिट वेक्टर है, यह शो करता है कि लगने वाला जो बल है वह Q2 से क्या है Q1 की ओर है, तो यहाँ कैप R21 भी यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। इसका काम क्या होता है दिशा निरूपण करना, यह दिशा निरूपण करता है कि लगने वाला बल जो है Q2 से क्या है Q1 की ओर है। अब इसे पिक्चर के द्वारा सिद्ध कर देना है कि कूलम्स लॉ का व्यंजक पोजिशन वेक्टर के रूप में, पहले इस पिक्चर को बनाइए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हेडिंग कीजिए, उसके बाद इसको पिक्चर को बनाइए और यहां लिखिए ट्रुथ ब्रेकर डैश लीजिए, लिखिए माना कि, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, एक बार बोर्ड पर पिक्चर समझ आ गया है, अब बोर्ड पर देखिए लिखते हैं उसको सिद्ध करते हैं, कूलम्स लॉ का व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं, कूलम फोर्स का व्यंजक पोजीशन वेक्टर के रूप में। माना कि दो आवेश q1 तथा q2 है, जिसका माना कि दो आवेश q1 और q2 है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है वेक्टर R1 एवं वेक्टर R2 है, हो गया, एवं दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कौन बल है F12 तथा
वेक्टर एफ वन वेक्टर एफ वन टू तथा वेक्टर एफ टू वन है। एवं दोनों आवेशों की बीच की दूरी क्या है? वेक्टर माना कि दो आवेश Q1 तथा Q2 है जिनका पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर R1 तथा वेक्टर R2 है। उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल वेक्टर F12 तथा वेक्टर F21 है। उन दोनों आवेशों के बीच दूरी क्या है? वेक्टर R है। अब आपको सिद्ध कर देना है कूलम बल का व्यंजक पोजीशन वेक्टर के रूप में, देखिएगा बोर्ड पर। इसीलिए परिणामी सदिश किस नियम से? त्रिभुज के नियम से। त्रिभुज का नियम पढ़ाया होंगे आप लोगों, याद कीजिए फर्स्ट ईयर में, कि यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं हो तो उन दोनों भुजाओं की सहायता से खींची गई त्रिभुज की तीसरी भुजा उन दोनों सदिशों के परिणाम या योग को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के नियम को सदिश के योग के त्रिभुज के नियम के नाम से जाना जाता है। वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B। याद आया? नहीं याद आया कॉपी में पढ़ा, खुद को देखिए वहां पर कॉपी में लिखा गया कि वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B को ही त्रिभुज के नियम के नाम से जाना जाता है। तो यहां भी देखिए त्रिभुज बना नहीं बना, त्रिभुज त्रिभुज ए ओ ए बी में लिखिए त्रिभुज बना, तो यही लिखे यहां पर परिणामी सदिश त्रिभुज के नियम से। अब आपसे हम पूछे इस पिक्चर में देखिए, आपसे हम पूछे बताइए हमको लिखना है कि ए बी बराबर क्या होगा, क्या है ए बी, तो बोलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यह ए बी है, दिशा क्या है? ए से बी की ओर है, तो ये रहा इसका त्रिभुज के नियम ओ ए बी। इसकी दिशा देखिए ऐसे हो जाएगा आर वन, यहाँ पर डायरेक्शन छूट गया था इसको ऐड कर लीजिए, आर वन की दिशा ओ से ए की ओर, ये हो गया आर टू की दिशा, वो भी मैं इसको नोट कर लीजिएगा, ये आर वन की दिशा है ओ से ए की ओर, ये आर टू की दिशा है ओ से बी की ओर। अब आर वन और आर टू जो है पोजिशन वेक्टर है, अब हम ओ ए बी में देखते हैं तो लिख देते हैं ये हो गया ओ से ए, ए से बी, अब इसको भूल जाइए, तो इसमें आप पूछे ए बी बराबर क्या त्रिभुज के नियम बोला, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? तो ए बी बराबर हो जाएगा ये अगर हम दोनों आसन भुजा मान ले, आई ओ बी को परिणामी सदिश मान ले, तो यह ओ बी जो होगा इन दोनों भुजाओं के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो ये हो जाएगा ओ ए प्लस ए बी बराबर वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी, ये त्रिभुज का नियम हो जाएगा। तो हम आपसे पूछे तो वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा? तो वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, लिख सकते हैं ना, तो यही लिखना है यहां पर। तो वेक्टर ए बी बराबर हो जाएगा त्रिभुज के नियम से, बुरी बात है, तो ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, तो इसी प्रकार पूछे तथा कुमार जी यहां पर तथा बी ए बराबर, अब ए बी हो गया ए बी का तो ए से बी की ओर, अब आपसे पूछे तो बी ए बराबर क्या हो जाएगा त्रिभुज का नियम? जैसे ए बी बराबर लिखो ना आसे के यहां पर समझाए, ये हो गया फोटो बनाकर समझाए, यहां पर इसका व्यंजक लिखे हैं कि ए बी बराबर कैसे ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा, कैसे हो गया ए बराबर ओ बी माइनस ओ ए त्रिभुज के नियम से। तो अब यहां पर ये बी ए बराबर क्या हो जाएगा? तो बी ए बराबर हो जाएगा ओ ए माइनस ओ बी, ये भी त्रिभुज के नियम से।
सुन रहा है, सुनने आ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। अब OB बराबर क्या है, OB, OB ये ना, OB है, OB का नाम क्या है, R2, तो ये लिखते हैं वेक्टर R2, OA का नाम क्या है, वेक्टर R1, वेक्टर BA बराबर क्या हो जाएगा, यहां दे देते हैं AB का नाम देते हैं वेक्टर R12, यहाँ कैप है तो यहाँ सदिश क्या है, तो यहाँ पर सदिश वेक्टर R12, जब कैप है तो कैप लिखेंगे, तो AB का नाम है वेक्टर R12, R12 तो 1 से 2 की ओर, तो नाम है AB, तो AB के ऊपर वेक्टर R12, R12 बराबर R2 माइनस R1, त्रिभुज के नियम से, तो B बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर R21, R21 बराबर OA, OA का मान कितना हुए, R1, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, तो ये हो गया वेक्टर R12 बराबर R2 माइनस R1, वेक्टर R21 बराबर वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अब आपसे हम पूछे कि बताइए तो कैप R12 बराबर क्या होगा, कैप R12 बराबर ले सकते हैं हम लोग वेक्टर R12 बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर R12, याद जी पढ़ाए थे कि वेक्टर A बराबर वेक्टर A अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर A, याद है, तो वही आ रही है कैप R12 बराबर वेक्टर R12 बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर R12, वही आपसे पूछे तो कैप R12 बराबर क्या होगा, तो कैप R12 बराबर वेक्टर R21 बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर R21, ये हो गया आपका कैप R12 और कैप R21 का फॉर्मूला। इसको पिक्चर मिटा दे, जगह नहीं है, इसको यहां लिखते हैं, आप कॉपी में इसको पिक्चर बना लीजिएगा, पिक्चर मिटा है, पिक्चर जगह नहीं है, इसको मिटाना पड़ेगा, उसको रिसीव करने के लिए हटा देते हैं, कॉपी में है, आप वहां से देखिए, पिक्चर तो बन गया होगा, तो से यहां से मिटा देते हैं। चलिए अब यहां से यहां आते हैं, हम ले सकते हैं इसीलिए कैप R12 बराबर वेक्टर R12, जब पर इसका मान रखिए, यहां पर वेक्टर R12 का मान यहां है, यहां रखिए, यहां जगह वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 बाय, ये क्या हो जाएगा, नीचे मॉडुलस ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, यहां से कैप वेक्टर R12 को मान यहां से रख दिया R2 माइनस R1, यहां आ गया, यहां पर फिर मॉडुलस है, फिर R12 का मान है, तो फिर यहां वेक्टर R12 को मान हो गया वेक्टर R2 माइनस R1, मॉडुलस का साइन है, यहां भी है तो साइन मॉडुलस का साइन यहां भी है, और यहां R12 को मान यहां से उठाकर यहां रख दिए। आगे बढ़ते हैं, तो सेम इसी प्रकार सिमिलरली हो जाएगा, वेक्टर कैप R21 बराबर बोलिए R1 माइनस R2 अपॉन मॉडुलस ऑफ R2 माइनस R1, ये निकल गया कैप R12 का मान वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर R2 माइनस R1, कैप R21 बराबर R1 माइनस R2 अपॉन मॉडुलस ऑफ R2 माइनस R1। हमको उम्मीद है कि एकदम धीरे धीरे लिखते हैं, समझा भी रहे हैं, बता भी, एक बार दो बार बार रिपीट करें, बात बार कई बार बोले हैं कि कहाँ से कौन आ रहा है, कई बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको सुनने आए। हमको उम्मीद है यहाँ तक आपको सुनने आ गया होगा कौन कहाँ से आया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा, अब यहाँ तक कोई समस्या नहीं तो आपको अब आसानी से केवल मैथ बच गया,
फिजिक्स का काम खत्म हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए बोले लिखे इसीलिए Q1 Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल का नाम यहाँ से पीछे लिखे हैं, Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल उसका नाम क्या है? तो Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल का नाम वेक्टर F12, ये नाम है। देखिए Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला मतलब वेक्टर F12 बराबर हो जाएगा, अभी कूलम का निपटाते हैं, F बराबर 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R square। तो R उनके बीच क्या है? दूरी है। दूरी क्या है? दूरी है। तो दूरी का नाम क्या हो जाएगा? Q2 द्वारा Q1 पर। तो पिक्चर में देखिए Q2 द्वारा Q1 पर का नाम है मॉडुलस ऑफ वेक्टर BA, है कि नहीं है? तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर BA है, एक मिनट रुकिएगा। तो ये हो गया F बार 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon मॉडुलस ऑफ वेक्टर BA। इसलिए वेक्टर को जब मॉडुलस करें तो आप जानते हो सदिश का मॉडुलस करने से वह अदिश बदल जाता है, तो यहाँ वेक्टर BA कर देते ताकि यह अदिश बन जाए। तो अब देखिए ये हो जाएगा F बराबर 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R square। यहाँ पर अब R जगह पर क्या हो जाएगा? तो वेक्टर BA हो जाएगा। अब जानते हो F12 जो है सदिश राशि है, तो 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon modulus of वेक्टर BA का स्क्वायर जो होगा, यह पूरा राशि अदिश है या सदिश? तो क्या सदिश अदिश के बराबर होता है? नहीं होता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन शो करना पड़ेगा क्या? तो वेक्टर कैप आर वन टू सॉरी कैप आर टू वन तो वेक्टर F12 बराबर 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by मॉडुलस ऑफ वेक्टर BA का स्क्वायर इनटू कैप R21। ये हो गया आपका परिमाण और ये हो गया आपका दिशा। तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यह सदिश अब ये भी सदिश, और यह कैप R21 क्या दर्शा रहा है? तो यह वेक्टर F12 की दिशा दर्शा रहा है कि लगने वाला बल जो है Q2 से Q1 की ओर है, और ये रहा इसका परिमाण 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर BA का स्क्वायर। अब यहां पर लिखेंगे तो BA के जगह पर लिखेंगे यहां पर मॉडुलस ऑफ BA, यहां देखिए BA है R1 minus R2, लिखेंगे F12 बराबर 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon modulus of BA का स्क्वायर कैप R21। ये हो गया इसका परिमाण, ये हो गया दिशा। यह दिशा पर विरोध कला के लगने वाला बल जो है B से A की ओर है, और ये रहा कूलम बल के द्वारा उसका व्यंजक। इसका मान जो है यहाँ से देख के लिख दिया है, BA का मान यहाँ से R1 minus R2 यहाँ रखे, ये इसका मॉडुलस है और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया। मॉडुलस क्यों के मान में सदिश को अदिश में कन्वर्ट करने के लिए, और इसका मान R12 का कैप टू R21 का मान यहाँ से, यहाँ देखिए कैप R21 यहाँ है, तो यहाँ से इसका मान यहाँ से इसके टू से यहाँ रखिए कैप R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपॉन मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2। तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर R छुपा है, तो दो गो एगो तीन हो जाएगा। तो क्या हम ले सकते हैं इसको? इसीलिए F12 बराबर 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R1 minus R2 वेक्टर R1 minus R1 2
होल क्यूब, दो एक तीन हो जाएगा इन टू आर वन माइनस आर टू, ये रहा आपका कूलम्ब बल का व्यंजक पोजिशन वेक्टर के रूप में, कूलम्ब बल का व्यंजक। एक व्यंजक और इसको लिख सकते हैं इसी प्रकार सिमिलरली, अगर हमको F21 निकालना हो तो F21 बराबर हो जाएगा 1 by, अभी इतना खटने हो सकता नहीं है डायरेक्टली यहाँ बेंडर R12 F12 था तो R1 माइनस R2 है, अब यहाँ F21 हो गया तो 1 by 4 by epsilon naught Q1 into Q2 by modulus of vector R1, अब हो जाएगा R2 माइनस R1 का होल क्यूब into R2 minus R1, ये हो गया आपका दो व्यंजक पोजिशन वेक्टर के रूप में, स्थिति सदिश के रूप में कूलम्ब बल के व्यंजक, दो व्यंजक F12 बराबर 1 by 4 pi epsilon Q1 into Q2 by modulus of R1 minus R2 का whole cube into R1 minus R2, और इसी प्रकार F21 बराबर 1 by 4 pi epsilon Q1 into Q2 upon modulus of R2 minus R1 का whole cube, यहां वेक्टर आएगा वेक्टर R2 minus R1 का whole cube into R2 minus R1, तो इस प्रकार के व्यंजक को पोजिशन वेक्टर के रूप में कूलम्ब बल के व्यंजक के नाम से जाना जाता है। हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ में आया होगा और आपको स्पष्ट रूप से बोर्ड पर दिखाई भी दे रहा होगा, तो इस ये को आप एग्जाम क्वेश्चन 5 नंबर में आता भी है, 5 नंबर या 2 नंबर में आता है, तो हमको उम्मीद है यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप इसको लिखिए और बैठ कर समझिए, कोई डाउट तो फिर पूछिएगा। आज इतना ही, टाइम हो गया है, इसको छापिए, कॉपी में नोट कीजिए, ऑल द बेस्ट।